हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग एक्सरसाइज 16.3 पे हैं और क्वेश्चन नंबर है 1। क्या कह रहा है? फाइंड द एंगल ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द फॉलोइंग कर्व्स। चलिए इसके 8 नंबर से देखते हैं। पिछले वीडियो में हम लोग 7 नंबर तक देख लिए थे। दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू में 2x एंड दूसरा दिया हुआ है वाई स्क्वायर इक्वल टू में x। चलिए अब इसके बाद हम लोग देखते हैं इक्वेशन फर्स्ट और इसको सेकेंड। अब यहाँ लिख लेते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू में 2x और दूसरा है आपका वाई स्क्वायर इक्वल टू में x। साइन चेंज कर दो ना, यहीं से काम बन जाएगा। एक्स स्क्वायर इक्वल टू में x आ जाएगा, यानी हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इक्वल टू में 0। एक्स कॉमन करेंगे एक्स माइनस वन इक्वल टू 0, तो यहाँ एक्स का वैल्यू एक 0 आ जाएगा और एक 1 आ जाएगा। चलिए अब इसके बाद हम लोग देखते हैं, लिखते हैं व्हेन एक्स इक्वल टू में 0 तो वाई स्क्वायर इक्वल टू में हो जाएगा 0 इस सेकेंड वाले इक्वेशन के अकॉर्डिंग, यानी वाई का वैल्यू 0 आ जाएगा। व्हेन एक्स इक्वल टू में 1 तो वाई स्क्वायर इक्वल टू 1, यानी वाई का वैल्यू आ जाएगा प्लस माइनस 1। तो यहाँ पे लिख सकते हैं देयरफॉर द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इंटरसेक्शन ऑफ गिवन कर्व्स गिवन कर्व्स बी 0 0 और 1 1 और 1 माइनस 1। चलिए अब इसके बाद देखते हैं, हमारे पास ऊपर जो कर्व्स दिए हुए हैं कर्व्स क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू में 2x एंड दूसरा है वाई स्क्वायर इक्वल टू में x। चलिए अब इसे डिफ्रेंशिएट करते हैं विथ रेस्पेक्ट टू x, तो यहाँ से हो जाएगा 2x प्लस का 2y dy by dx इक्वल टू में 2। इसको उधर ले जाते हैं, 2y dy by dx इक्वल टू में 2 माइनस का 2x, ठीक है, इसको ले जाएंगे उधर, तो dy by dx इक्वल टू में 2 कॉमन कर लीजिए, 1 माइनस का x y में 2y, 2 से 2 यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा dy by dx इक्वल टू में 1 माइनस x y में y, ठीक है। अब देखिए दूसरे वाले को देखते हैं, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 2y dy by dx इक्वल टू में 1, तो यहाँ से dy by dx इक्वल टू में आ जाएगा 1 by 2y, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं एट पॉइंट ले लेते हैं हम लोग 1 1 को ही लेते हैं, 0 0 लेंगे तो यहाँ पे देखो ना 0 0 अगर ले तो यहाँ भी डिनोमीटर में 0, यहाँ भी 0 आ जाएगा, इन्फेनाइट आ जाएगा, हम लोग 1 1 ही लेके चलते हैं, ठीक है। चलिए देखिए 1 1 पे m1 का वैल्यू, तो dy by dx एट 1 1, ठीक है, तो 1 माइनस का 1 by 1 तो 0 आ जाएगा ये। अच्छा फिर m2 के लिए चलते हैं, यानी dy by dx एट 1 1, 1 by 2 into 1, तो ये 1 by 2 हो जाएगा। चलिए अब इसके बाद देखते हैं, हम लोग लिख सकते हैं लेट थीटा बी द एंगल ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ गिवन कर्व्स, ठीक है। तो यहाँ से टेन थीटा इक्वल टू में एम वन माइनस एम टू बाई 1 प्लस m1 m2, कोई दिक्कत नहीं है, 0 माइनस 1 बाई 2 बाई में 1 प्लस 0 इंटू में 1 बाई 2। चलिए देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे टेन थीटा इक्वल टू में ऊपर माइनस का 1 बाई 2 और नीचे एलसीएम ले लेंगे, सॉरी 1 ही ना सिर्फ बचेगा, ये तो 0 हो जाएगा, तो टेन थीटा इक्वल टू में 1 बाई 2, यानी कि थीटा इक्वल टू में आ जाएगा यहाँ से टेन इनवर्स 1 बाई 2। चलिए दूसरे वाले पॉइंट पे भी चेक कर सकते हैं एट 1 माइनस 1, देख लीजिए 1 माइनस 1 भी आ रहा था ना ऊपर, 1 माइनस 1, इस पर भी चेक कर सकते हैं। चलिए देख लेते हैं क्या होता है, ठीक है। तो चलिए इस पर पहले वाले के लिए देखते हैं, m1 के लिए dy by dx at 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा, 1 माइनस 1 पर देख लीजिए यहाँ पर क्या है आपका 1 माइनस x बाई वाई, 1 माइनस x बाई वाई, 1 माइनस x और y में y, तो ये 0 हो जाएगा। m2 क्या हो जाएगा, dy by dx एट 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा, तो उसका है 1 बाई 2 वाई था ना शायद, 1 बाई 2 वाई, चलिए यहाँ पर रखते हैं
वन बाई टू इंटू में माइनस वन, माइनस का वन बाई टू, तो टेन थीटा इक्वल टू में हो जाएगा जीरो प्लस वन बाई टू हो जाएगा, और वन बाई में वन प्लस जीरो इंटू में माइनस वन बाई टू, सेम यहाँ पे वन बाई टू ही आ रहा है, तो यानी कि यहाँ पे भी थीटा का वैल्यू टेन इनवर्स वन बाई टू ही आ रहा है। समझ गए, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं।